जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए अब बढ़ते हैं महोबा की कुछ अहम खबरों की ओर। आपको बता दें, मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुगेरा गांव के पास का है, जहां पनवाड़ी कस्बे का वृंदावन अहिरवार अपनी पत्नी किरण को प्रसव पीड़ा होते के चलते महोबा के महिला जिला अस्पताल लेकर आया था, जहां मौजूद चिकित्सकों ने बिना देखे ही झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जननी सुरक्षा 102 एम्बुलेंस की मदद से परिजन प्रसूता किरण को लेकर झांसी जा रहे थे। एम्बुलेंस जैसे ही कुलपहाड़ से निकली, वैसे ही प्रसूता को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। आनन फानन में एम्बुलेंस में मौजूद EMT देवेंद्र कुमार और पायलट जयवीर ने महिला को सुरक्षित प्रसव करा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुलपहाड़ में भर्ती कराया, जहां जच्चा बच्चा स्वस्थ बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महिला जिला अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? जब प्रसूता ने झांसी मेडिकल कॉलेज तो दूर अस्पताल से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर ही एम्बुलेंस में ही नॉर्मल और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, तो जिला अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने ऐसी स्थिति में प्रसूता को रेफर क्यों किया? इस बारे में जब जिले के CMO से पूछा गया तो उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों का बचाव करते हुए कहा कि डिलीवरी का कोई निश्चित टाइम कोई नहीं बता सकता, उस समय प्रसूता की कंडीशन ठीक नहीं रही होगी, जिसको देखकर उसे रेफर किया गया होगा। एम्बुलेंस में नॉर्मल डिलीवरी हुई और जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। महोबा से वहीद अहमद की रिपोर्ट। अब देखिए, डिलीवरी के संबंध में कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता कब डिलीवरी होगी। जो भी वहाँ पे स्टाफ उनको देख रही होंगी, उनके हिसाब से लग रहा होगा कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए उनके बेहतरी के लिए उन्होंने आगे के लिए रेफर किया होगा। और रास्ते में डिलीवरी हो गई, स्वस्थ डिलीवरी हुई, ये बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले को धन्यवाद देने की चीज है। पर ये सब घटनाएं सामान्य है, ये सब होती हो सकती है।